हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट ब्लॉग में जहाँ से ख़त्म की थी ना, वहीं से जो है मैं अपना ये वाला ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था, सब लोग अभी हम लोग मंदिर पहुँच गए थे और अभी शादी की तैयारी जो है चल रहा है। अभी मतलब सारे लोग बैठ रहे हैं, तिरपाल वगैरह जो है वो अभी बिछाया जा रहा है एक साइड। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। और सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारा गांव का मंदिर है, शिव जी और गौरी माता का मंदिर है ये। तो यहीं पे जो है अभी हम लोग का यहाँ पे शादी हो रहा है। तो ये गांव में ही है, हमारे गांव में ही पड़ता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और हाँ, पिछले वीडियो में ना मुझे बहुत सारे जो है कमेंट आ रहे थे, एक ही कमेंट कि आप सब ने मास्क क्यों नहीं लगाया, मास्क क्यों नहीं लगाया। तो हम लोग रास्ते में जब आ रहे थे वहाँ पे तो मास्क लगाए थे, पर जब मंदिर में आए तो सारे जनों ने ना मास्क जो है खोल दिए। और ऐसा नहीं है कि मास्क नहीं लगाए, ऐसा हो सकता है अभी हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि मतलब कहीं पे भी हम लोग जाते हैं मास्क ज़रूर लगाते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने उतार दिया है, बच्चे भी लगाए थे, बच्चों को भी उतार दिए हैं बच्चे। और मंदिर है यहाँ पे, माता जी, यहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद है, तो यहाँ पे कोई कोरोना जो है यहाँ पे नहीं आ सकता है। इसी वजह से सब लोगों ने जो है मास्क यहाँ पे उतार दिया है। और रास्ते में जब गाड़ी में आ रहे थे तब तो लगाए थे, अभी मंदिर में आके उतार दिए। तो यही सवाल आपके बहुत सारे आ रहे थे, तो मैंने रिप्लाई कर दिया है आपके क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है कि मुझे आप लोग जो समझने वाले समझ गए होंगे, और जो नहीं समझते हैं ना एक दो लोग, तो वो फिर से बोलेंगे कि मास्क क्यों नहीं लगाया, मास्क क्यों नहीं लगाया। ये है, और यहाँ पे अभी तिरपाल वगैरह जो है वो बिछाया जा रहा है। यहाँ पे सब लोग बैठेंगे, जैसे कि एक तरफ लड़की वाले बैठेंगे, एक तरफ जो है लड़का वाला बैठेंगे। तो ये देखिए, अभी हम लोग इधर जो है ना, इधर लड़के वाले, मतलब हम लोग लड़के वाले हैं, तो इधर कोई कोई यहाँ पे बैठा है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अभी रस्में स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे लड़का को हल्दी लगाया जा रहा है, तो बहुत ही शॉर्टकट में हल्दी लगाया जा रहा है। और आज ना, आज ही के दिन जो है लगन, शगुन, शादी, मतलब तुरंत ही अभी होगा। और थोड़ा सा हल्दी का रस्म हो रहा है, तो पहले अपने ये चाची सब है, मौसी सब, वो लगा लेती है। और अभी भाभी सब जो है हल्दी इनको लगाएंगे, देवर को। तो यहाँ पे अभी पंडित जी अपना स्टार्ट कर दिए हैं शादी का जो प्रोसेस होता है वो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो है लड़का का ये पिता है, तो ये अभी जो दुल्हन का ये साड़ी है, शादी का साड़ी, लगन, शगुन,
यही सब साड़ी, इसमें अभी ये पंडित जी पूजा करवा दे रहे हैं और इसके साथ अभी गहने भी देंगे, तो गहने भी अभी देंगे। तो सारा इसमें जो जो पूजा होता है मंत्र वगैरह वो करवा देते हैं और अभी फिर ये जो है दुल्हन को दे देंगे। और जहाँ दुल्हन अभी मतलब तैयार होंगी, मंदिर में ही तैयार होंगी, तो यहाँ पे ही जगह है तो यहीं पे तैयार होंगी। और ये देखिए ये जो है गहने हैं, तो गहने में ये भी आप देख सकते हो, ये कानों के हैं और मंगलसूत्र वगैरह, टीका, पायल, यही सब है। और मतलब जो जो लड़के वालों ने गहने दिए हैं वही सब सारा सामान है। तो ये सारा चीज़ें अभी लड़की वाले को दे देंगे, लड़की अभी तैयार होगी। तो वैसे तैयार हो के ही आई हैं, तो जो जो मतलब शादी के चीज़ें लगते हैं लड़के वालों से, जो मेन मेन चीज़ें होते हैं वो अभी पहन लेगी, जैसे जो जो सोने वगैरह जो जो पहनना होगा उनको वो पहनेंगी। और यहाँ पे अभी सारा अभी बातचीत हो रहा था, तो यहाँ पे अभी मटकोर का रस्म होगा अभी, तो ये पानी सहने जाएंगे। तो ये पानी सहने ना दोनों बहनें जाते हैं, जैसे कि मैं अपने भाई की शादी में दिखाई थी आप सबको कि पानी सहना जो होता है बहनें ही करती हैं। तो ये दोनों जो है बहन है, तो यहाँ पे अभी मटका उठा लिए हैं और मतलब जो धोती ओढ़ते हैं ना वाइट कलर का, तो वो ओढ़ लिए हैं और खाली मटका है। अभी इसमें पानी भर के लाएंगे तालाब से। और यहाँ पे क्या हुआ था ना कि मटकोर का जो रस्म होता है मेन चीज़ वो अभी भूल गए थे, तो वो अभी गए लाने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो लड़की है दुल्हन, यहाँ पे जो उनका नेग होता है वो हो रहा है, और ये है दुल्हन यहाँ पे बैठी हुई है। तो ये मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि दोनों एक साइड में मंदिर में जो है लड़के वाले बैठे थे, और मंदिर के थोड़ा सा इधर एक दूसरा मंदिर है वहाँ पे जो है ये लड़की वाली बैठी थी। तो यहाँ पे भी इनका हल्दी वगैरह हो रहा है, तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा ही मंदिर में जब हल्दी लगता है ना, बहुत ही कम लगता है, बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब नेक के लिए थोड़ा थोड़ा जो है लगाया जाता है। और ये शादी इसलिए हो रहा है ना कि मतलब जल्दी जल्दी, नहीं तो इनका तो वैसे बारात जाते, तो बारात तो नहीं जा रहे हैं ये, मतलब जल्दी जल्दी मंदिर में ही लॉकडाउन की वजह से पानी सहने जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो टांगी होता है ना वो पानी काटने वाला, वो जो है भूल गए हैं, तो अभी गए हैं लेने के लिए। तो यहीं पे सामने है, बस लेके आ जाएंगे तुरंत ही। तो अभी जो पानी सहने वाली जो उनकी बहनें हैं अभी यहाँ पे खड़े हैं, तो यहीं पे सामने तालाब है, ये देखिए यहाँ पे जो ये तालाब दिख रहा है ना यहीं पे जाना है। देखिए ये है तालाब, यहीं पे सामने मंदिर के सामने ही तालाब था, तो यहीं पे जो है अभी पानी सहाई होगा, मतलब मटकोर का रसम जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये जीजा जी भी आ गए हैं, ये जो इससे ना पानी कटाई होता है, जब पानी इससे कटाई होगा और वही जो है मटका में डालेंगे, जैसे कि मैं अपने भाई के शादी में दिखाई थी ना सेम वैसे ही। तो अभी कलश को धो लिए हैं, इसमें जो चावल वगैरह वो लगता है, चावल का आटा, सिंदूर वगैरह वो अभी लग रहा है। और यहाँ पे जो लेडीज़ें जो है डांस कर रही हैं, तो गांव का डांस ना ऐसे ही होता है, मतलब ऐसे ही। तो ये मेरा ससुराल है, तो मैंने ज़रा सा भी डांस नहीं किया, क्योंकि ससुराल में मैं मतलब मुझे डांस करना अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से मैं, आप लोग देखोगे कोई भी वीडियो में मेरा डांस का वीडियो जो है नहीं है। तो ये था। और यहाँ पे ये देखिए इसमें जो पानी कटाई होगा उसमें भी थोड़ा सा पूजा होता है। और यहाँ पे क्या है ना कि जो पांच लड्डू बनाते हैं ना ये मिट्टी का, तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा था, और मेरे भाई के शादी में जो है वो हुआ था, पांच लड्डू भी बना था उस टाइम।
तो मतलब हर जगह थोड़ा सा अलग अलग जो है रस्में होती है। वैसे तो सेम रस्में हो रही हैं, जहाँ मेरे भाई का शादी में जो रस्में हुआ था वैसे ही यहाँ पे ये रस्में हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ कुछ जो है छूट जाता है या शायद नहीं होता होगा। तो ये था। तो ये देखिए जीजा जी अभी पानी काट रहे हैं और इनकी जो सालियाँ हैं तो अभी इनको भिगा रहे थे। इस वीडियो को मैं चलिए यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी यहाँ मंदिर में कैसे जो है सिंदूर दान होता है, कैसे कि क्या क्या जो है रस्में होती हैं वो मैं दिखाऊंगी अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ लाइक करके तो ज़रूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।